किसान हेल्पलाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, कौन सा बोल रहे हैं? सर, गुजरावाला से नजीर अहमद भिंडर अर्ज कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह भिंडर साहब, की हाल है? अल्लाह का शुक्र जनाब। जी हुक्म फरमाएं, क्या मसला है आपका? आज क्या पूछना चाहेंगे? सर पहला तो कुछ सुनाना चाहेगा तो फिर पूछना चाहेगा। सुनाए बिस्मिल्लाह, जरूर सुनाए। पेट और दवाइयां के नाल नाल जेड़े तुम्हारे देसी नुस्खे ना। जी जी सर, वो इन्ने पसंद आए ने। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ना लोगों का जिन्होंने अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे। ये जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इत्तफाक की बात है। जी बिस्मिल्लाह। सर यकीन जाने जे कि इन्ना इन्नी तहकीक तुहाडी वेख के ना। जी जी। ते कल बैठा बैठा मेरी जुबान दे उत्ते एक शेर आया। शोभा तहकीक गोया आपकी जागीर है। अल्लाह अकबर। शोभा तहकीक गोया आपकी जागीर है, उसने मर्दाना की मुंह बोलती तस्वीर। अल्लाह अकबर। जी जी हाँ जी साहब। जी जी वो लग ये आपका हुस्ने जान है, आपकी मोहब्बत है बस आपकी, ये थोड़ी मोहब्बत है। अच्छा रैकोमिन। हाँ जी, चूहे वास्ते। हाँ जी हाँ जी। नहीं मिली? हाँ जी। तो राको देखे दो आज अब तक जो तहकीक हो चुकी है ना, उसमें एक तो जिंक फास्फाइड है जी। वो जो आप काली दवाई जिसको कह रहे हैं वो कहते हैं कि वो कर चुके हैं और चूहा खाता नहीं है उसको। आप कम खाता है? बहुत कम। लेकिन वो चूहा अगर खा ले तो मर जरूर जाता है। लेकिन दूसरी राकोमिन ही है। राकोमिन के अलावा और अभी तक और बहुत सारी हो सकता है कि कोई ऐसी और भी चीजें आई हो, लेकिन राकोमिन जो आहिस्ता आहिस्ता वो खाता जाता है, 6-7 दिन लगातार खाता है, तो उसका खून इतना पतला हो जाता है कि वो मर जाता है। अच्छा। ये उसको तहलील कर देती है उसके खून को, और बल्कि उसके जो होते हैं ना, एक रेड कार्पसल्स होते हैं, एक व्हाइट कार्पसल्स, एक सफेद होते हैं, एक सुर्ख होते हैं जो खून के अंदर ना जरात, तो वो उनको खत्म कर देता है, समझे, सुर्ख को बिल्कुल खत्म कर देता है उस राकोमिन। राकोमिन फौरन नहीं मारता, लेकिन यह कि वो लगातार खाता रहता है 3-4-5-6 दिन तक, तो फिर वो मर जाता है। लेकिन जो हाँ जी खत्म हो जाते हैं, ये जो उसके रेड कार्पसल्स हैं बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो जब वो खत्म हो जाते हैं फिर मर जाता है। इसी तरह ये जो दूसरी हाँ जी फास टॉक्सिन, फास या फास्फीन की भी कहते हैं उनको, फास्फीन हाँ ये भी कहते हैं, फास टॉक्सिन भी कहते हैं। अच्छा जी। वो तो एक गोली उनकी वो जो बिल्कुल ताजा मिले थी, हाँ उनके अंदर फेंक के लपाई कर दी है। बिल्कुल वेरी गुड। तो, लेकिन वो तो जो गोली मरेंगे ना, जो अंदर होंगे, जो बिल से बाहर है, वो नहीं मरेंगे। जाहिर है उनका अंदर दम घुट जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी जी जी। तो फिर ये मर जाएंगे। जी जी बिस्मिल्लाह। उसमें मैं अब उसमें मुख्तलिफ किस्म की सीडीज हैं जिसमें मशवरे भी हैं, उस और कुछ ऐसी सीडीज हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज हैं। अच्छा। जैसे फर्ज करें कपास के बारे में या चावल के बारे में, तो आलू के बारे में अभी मशवरे होंगे। अच्छा। वो इस तरह की हमारे पास बनी नहीं है जो डॉक्यूमेंट्री स्ट्रॉबेरी के बारे में। मैं देखता हूँ जो जो हमारे पास मौजूद है ना, वो आप ले सकते हैं। आपको मैं लिस्ट भेज दूंगा, आप मुझे खत लिखें और जिस अपना ये पूरी सीडीज की लिस्ट मंगवा लें, लिस्ट मंगवा के फिर उनमें से आप चुन लें। कुछ लिखा होगा इंटरव्यूज हैं जो इंटरव्यूज के बारे में होगी।
आप लिखें डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहबजादा। मैं तो पहले साहबजादा लिखता हूँ, बाद में बस लिख दे साहबजादा मोहम्मद अशरफ बद्दर। हाँ जी हाँ जी, आगे लिख दे एन ए आर सी, एन नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। हाँ जी, और आगे पार्क रोड लिख दे, ठीक है ना भी लिखे ना चक शहजाद, एक साथ एक मॉडल विलेज है उसका नाम है चक शहजाद, हाँ इस्लामाबाद, वो लिखेंगे फौरन पहुंच जाएगा। वैसे तो मेरे नाम पे कुछ ऐसे खतूत भी आ रहे हैं जिसमें नाम लिखा और इस्लामाबाद लिखा और पहुंच गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुंच गया, अल्लाह की मेहरबानी, बस अल्लाह आपकी दुआएं हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।